गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास नाइन्थ के मैथ में डेसिमल स्टार्ट करेंगे। पिछले क्लास में हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सिखलाया था आप लोगों को। अब आज हम लोग डेसिमल देखेंगे। बेटा, डेसिमल नंबर पहले क्या होता है? तो कहता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ इंटीग्रल एंड द फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब ये कि इसमें इंटीग्रल और फ्रैक्शनल पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो, जैसे मान लो कि 2.35, बेटा इसमें ये जो पर्सन हुआ, ये 2, ये आपका हो गया इंटीग्रल पार्ट, ये आपका हो गया इंटीग्रल पार्ट, और ये जो है ये आपका हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और ये जब दोनों कंबाइंड हुआ तब आपका बना डेसिमल नंबर। बात समझ में आ गया? आपका बना डेसिमल नंबर। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक डॉट मार्क, मतलब कि पॉइंट जिसको हम लोग कहते हैं, मतलब कि एक पॉइंट हम लोग देते हैं दोनों को सेपरेट करने के लिए, मतलब एक डॉट मार्क। डॉट मार्क जो है, डॉट मार्क से लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होगा वो नंबर आपका इंटीग्रल पार्ट कहलाएगा, और डॉट मार्क के राइट साइड में जो नंबर होगा वो आपका कहलाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। समझ में आ गया? अब देखो, ये डेसिमल नंबर जो है उनके अलग अलग टाइप होते हैं। बेटा डेसिमल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, डेसिमल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला बनता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग, और दूसरा बनता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये दो तरह के डेसिमल होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि जिसका डेसिमल के बाद, मतलब कहने का क्या कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो फिक्स्ड हो, मतलब कि लिमिटेड हो, तो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता है। जैसे मान लो कि 2.324, तो ये 4 के बाद ये दर्शा रहा है कि इसमें कोई और नंबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। यही नॉन टर्मिनेटिंग में जाइएगा तो 2.34562 डॉट डॉट डॉट, मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, कहने कि इसका फिक्स्ड नहीं है, मतलब कि ये लिमिटेड नहीं हुआ। इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आपका फिक्स्ड नहीं हुआ, मतलब कि उसमें डिजिट जो है वो फिक्स्ड नहीं हुए कि कितने डिजिट और आगे भी डिजिट है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। बात समझ में आया? अब ये देखो, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है वो फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होता है, पहले भी बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल जो होगा बेटा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो कि 2.35035005, तो ये ना टर्मिनेट कर रहा है डॉट डॉट डॉट, ये ना टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ये रिपीट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा इरेशनल नंबर। अब देखो, ये जो है आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये हो गया कि जैसे मान लो 2.353535, तो ये है कि ये 35 जो है बार बार आ रहा है, मतलब कि ये रिपीट कर रहा है, तो ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। बात समझ में आ गया? अब देखो,
ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है ये आपका फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है प्योर रिपीटिंग, एक होता है प्योर रिपीटिंग और दूसरा होता है मिक्स्ड रिपीटिंग, एक प्योर और एक मिक्स्ड। प्योर का मतलब हो गया कि डेसिमल के बाद, मतलब कि पॉइंट जो हम लोग लगाते हैं, मतलब कि फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट में जो भी डिजिट्स हैं अगर वो सारे डिजिट रिपीट कर रहे हैं दैट मीन्स कि प्योर रिपीटिंग है। जैसे कि मान लो आपने लिखा कि 2.42 तो ये 42 डेसिमल के बाद दो डिजिट है और ये यही दोनों डिजिट बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब कि ये प्योर रिपीटिंग हो गया। और मिक्स्ड रिपीटिंग में होता है कि जैसे मान लो कि 2.242 तो देखो डेसिमल के बाद डिजिट है 242, थ्री डिजिट्स है, 242 थ्री डिजिट्स है, लेकिन इन तीनों में से सिर्फ रिपीटिंग जो है वो 42 42 42, मतलब कि दो ही डिजिट का रिपीटिंग हो रहा है, एक डिजिट जो है 2 वो रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये मिक्स्ड रिपीटिंग है। बात समझ में आया? अब देखो जितने भी नंबर डेसिमल में आपको मैंने बताया इसमें से ये नंबर और ये नंबर, मतलब ये नंबर जो होते हैं और ये दोनों रेशनल होते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में आते हैं और ये सारे नंबर भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आते हैं, बट ये नंबर जो है बेटा इसको हम लोग कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं और नहीं लिखते हैं, इसीलिए ये इरेशनल नंबर कहलाता है। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को हम कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे यहीं कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, कैसे हम लोग किस डेसिमल को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल को तो पी बाई क्यूब के फॉर्म में करना आसान है। जैसे मान लो कि 2.35 अगर ये नंबर हमको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिखेंगे कि 235 बाई में 100। ये कैसे आता है कि देखो डेसिमल के बाद, पहले तो सबसे पहले कि पी के फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल नंबर को हटा देते हैं, बाकी सारे डिजिट्स को लिख देते हैं। इसके बाद डेसिमल जो है उसके लिए हमने 1 लिख दिया और डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट्स है उतने डिजिट्स के अनुसार हमने 0 बैठा दिया। जैसे मान लो कि आपके पास है कि 3.024, बेटा हम सीधे लिखेंगे कि 3024 बाई में, अब डेसिमल के लिए 1 और डेसिमल के बाद 1 2 3, मतलब कि 3 डिजिट्स है तो 3 डिजिट्स है तो 30 डाल देंगे। ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, ये आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। हाँ अगर आपको लग रहा है कि ये नंबर किसी नंबर से, मतलब कि वो होता है कि आपको इसको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कटा लीजिए इसको, लेकिन मतलब आपका नंबर जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में बन गया। अब हम लोग देखते हैं बेटा कि डेसिमल में जो नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में जो नंबर्स है उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में दो तरह का डेसिमल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में दो तरह का डेसिमल होता है, एक प्योर रिपीटिंग होता है एक मिक्स्ड रिपीटिंग होता है। तो प्योर रिपीटिंग को चेंज करने का अलग रूल है
और मिक्स्ड रिपीटिंग को चेंज करने का अलग रूल है। तो पहले हम लोग बेटा प्योर रिपीटिंग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि 2.35 और इसके ऊपर इसको रेकुरिंग दे दिया, ये रेकुरिंग भी कहा जाता है। तो ये रेकुरिंग जो है बेटा वो आपको ये समझाता है कि इस नंबर, ये जो नंबर है मतलब ये रिपीटिंग है, मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2.353535353535 डॉट 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 ये चलता रहेगा। अब ये रिपीटिंग डेसिमल जो है इसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करेंगे, अब इस बात को हमको देखना है। हमने अभी तो, अब देखो इस प्योर ये आपका कौन सा रिपीटिंग है, ये आपका प्योर रिपीटिंग। तो प्योर रिपीटिंग को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो मान लो कि आपको कोई भी नंबर दिया, मान लो हमने लिया 2.35, इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है पी बाई क्यू के फॉर्म में तो हम लोग लिखते हैं बेटा कि लेट एक्स इज इक्वल्स टू 2.353535 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक इक्वेशन क्रिएट हुआ। अब देखो रिपीटिंग अगर प्योर है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि रिपीटिंग जो है वो कितने डिजिट्स का हो रहा है। तो यहाँ पे रिपीटिंग जो है वो 2 digits का हो रहा है, 3535 मतलब कि 3 और 5 का रिपीटिंग हो रहा है। तो कहने का मतलब कि रिपीटिंग अगर 2 digit का है तो आपको इक्वेशन 1 में 100 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ रहा है? अगर रिपीटिंग सिर्फ 1 digit का है, मान लो कि आपको दे दिया कि 2.3333 ऐसे, तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई बेटा 10 से करना है। अगर आपका रिपीटिंग जो है वो 3 digits का है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आ गया? तो हम यहाँ इक्वेशन 1 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 100 इन इक्वेशन वन में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा ये बनेगा आपका 100x इज इक्वल्स टू 235.353535 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन 2 बन गया। अब देखो अब हम लोगों को क्या करना है कि ये जो 2 equations हमारे सामने क्रिएट हुए इन दोनों इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बात समझ में आ रहा है? इन दोनों इक्वेशंस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि आप लिखिएगा कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा हुआ 100x इज इक्वल्स टू 235.353535 डॉट डॉट डॉट, यही आपका इक्वेशन 2 हुआ। इक्वेशन 2 आपका ये हो गया। अब इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल्स टू 2.353535 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो इक्वेशन को या पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग बेटा नीचे वाले सिंबल्स को बदल देते हैं। तो मान लीजिए कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब 100x में से अगर एक गो एक्स मतलब 1x अगर हम माइनस करते हैं तो ये बेटा आएगा आपका क्या 99x, यही आएगा ना। इसमें अगर माइनस करते हैं तो मान लो कि ये 3535 तो रिपीटिंग है, यहाँ भी 3535 रिपीटिंग है, तो ये तो टोटल 0 बन जाएगा ना पॉइंट, ये डॉट डॉट ये भी 0 भी आपका, जितना ये 35 होगा उतना ही आपका 0 आएगा। और अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 235 में से 2 माइनस करेंगे तो 233। बेटा जैसा हम लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं होता है, यानी कि अब हमारा ये नंबर बना 99x इज इक्वल्स टू 233, नंबर बन गया।
तो अब इधर जो है आपने इक्वेशंस में पढ़ा होगा कि जब हम लोग किसी भी टर्म को ट्रांसफर करते हैं, मतलब ट्रांसफर करते हैं मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाते हैं, तो उनका सिंबल बदल जाता है। तो जब हम होल टर्म को ट्रांसफर करते हैं तो इसके पहले का सिंबल बदलता है, लेकिन अगर किसी टर्म में से उसको स्प्लिट करके ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ उन दोनों के बीच के सिंबल बदलते हैं। यानी इसमें हम स्प्लिट करके देखो x को यहीं रख लिए और 233 सिर्फ 99 को उधर ट्रांसफर किए, तो 99 को जब हम ट्रांसफर करेंगे बेटा तो यहाँ 99 और x जो है वो मल्टीप्लीकेशन में माने मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। बात समझ में आ गया? अगर अब देखो ये आपका p बाई क्यू फॉर्म बन गया किसका, इस डेसिमल नंबर का। बात समझ में आया? इस तरह से आप किसी भी रिपीटिंग डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में बदल सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब हम लोग एक चीज और देखते हैं बेटा, एक चीज और देखते हैं कि अगर रिपीटिंग जो है वो अगर मिक्स्ड रिपीटिंग है तब हम लोग कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि प्योर रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे करते हैं। तो अभी हमने मिक्स्ड रिपीटिंग का आपको एग्जांपल बताया था कि मिक्स्ड रिपीटिंग में क्या होता है कि डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होते हैं उसमें से कुछ डिजिट तो रिपीट करता है बट कुछ डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करता है। जैसे मान लो कि आपको दे दिया कि 3.2454 और जो रिकरिंग है वो सिर्फ 4 और 5 पे लगाया, 2 पे नहीं लगाया। बेटा इसका मीनिंग ये निकला कि ये 3.2454545 ये रिपीटिंग हुआ इसका, 2 जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट मतलब 3 डिजिट्स हैं बट 2 ही डिजिट जो है वो रिपीटिंग में है, 1 डिजिट रिपीट में नहीं है। इसके पहले वाला में हमने देखा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट था और दोनों का दोनों डिजिट रिपीट कर रहा था। इसमें अब देखो तो ये जो है बेटा वो प्योर रिपीटिंग था, ये जो है ये मिक्स्ड रिपीटिंग कहलाएगा। तो अब इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखो, इसमें भी करते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू 3.2454545 डॉट डॉट डॉट, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को कितना से, बेटा इसमें 2 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। एक बार मल्टीप्लाई करना है कि जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है उसके लिए, तो इसमें डिजिट जो है वो रिपीट नहीं करने वाला डिजिट 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। अगर रिपीट नहीं करने वाली डिजिट की संख्या 1 से ज़्यादा होगी, जैसे मान लो 2 डिजिट है, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है 2 डिजिट नहीं कर रहा है, तो वैसी स्थिति में पहले आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अगर 3 डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा कि आपका पहला काम क्या है कि देखना है कि कितना डिजिट है जो रिपीट नहीं कर रहा है, तो इसमें डिजिट रिपीट नहीं करने वाला है आपका कितना, 1, तो आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाइड बाई 10 इन इक्वेशन 1। क्लियर? अब देखो बेटा अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 32.454545 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन 2 बनेगा। अब हमको क्या करना है कि जो डिजिट रिपीट कर रहा है और जो डिजिट नहीं रिपीट कर रहा है, मतलब जो नहीं डिजिट रिपीट कर रहा है उसके लिए मल्टीप्लाई करना है। तो बेटा नहीं रिपीट करने वाले के लिए
हम लोगों को अब मल्टीप्लाई जो है वो इक्वेशन टू में करना है, आ नहीं अगर आप इक्वेशन वन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिपीट कर रहा है और जो नहीं कर रहा है दोनों के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप इक्वेशन वन में कर रहे हैं तो आपको थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग मतलब कि जो रिपीट कर रहा है वो, जो नहीं रिपीट कर रहा है वो, उन दोनों को मिलाकर टोटल डिजिट हमारे पास थ्री है, तो हमने तीन डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम केवल रिपीटिंग के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको इक्वेशन टू में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन में नहीं। तो यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ रिपीटिंग के लिए करना पड़ेगा, तो रिपीटिंग के लिए फोर फाइव मतलब कि दो डिजिट है, यानी कि अगर इस इक्वेशन में करते हैं तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इस इक्वेशन में करते हैं तो थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आपको जो इजी लगेगा आप उससे कर लीजिएगा। इस इक्वेशन में सिर्फ रिपीटिंग के लिए होता है मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन में करेंगे तो रिपीटिंग और जो नहीं रिपीट कर रहा है दोनों के लिए मल्टीप्लाई होता है। बात समझ में आ गया? तो हम तो बेटा इक्वेशन टू में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप जिसमें चाहें कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइड बाई 100 इन इक्वेशन टू। अब इक्वेशन टू में तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 एक्स इज इक्वल्स टू 342.454545 डॉट 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 इक्वेशन, ये थर्ड बना। अब इसको क्या करना है कि आपको इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकंड को माइनस कर देना है, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री। तो इक्वेशन टू हम लोगों का थ्री में से टू को घटाना है, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 3245.454545 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन थर्ड है ना। अब देखो ये थर्ड इक्वेशन में से हमको सेकेंड इक्वेशन माइनस करना है, यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 32.454545 डॉट डॉट डॉट, ये आपका इक्वेशन टू हो गया। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्टिंग के लिए दोनों का सिंबल बदल देंगे, हमने सिंबल बदल दिया। अब 1000 में से 10 माइनस करेंगे, तो 1000 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो 990x यही आएगा ना, इज इक्वल्स टू फाइव, इधर तो डेसिमल के बाद जितना भी डिजिट है सब रिपीटिंग है तो ये सारे डिजिट जीरो बन जाएंगे, और इसके बाद 5 में से 2 तो 3 और 4 में से 3 1 और ये 3 2 मतलब 3213 ये आ गया, और इसके बाद ये पॉइंट पॉइंट के बाद 0, तो 0 के बाद का कोई वैल्यू पॉइंट के बाद होता नहीं है, यानी कि 990x इज इक्वल्स टू 3213, ये आपका इक्वेशन क्रिएट हुआ। अब इस इक्वेशन से आप x का वैल्यू फाइंड कर दीजिएगा तो आएगा x इज इक्वल्स टू 3213 बाई में 990। समझ में आ गया? अब आप प्योर और मिक्स्ड दोनों रिपीटिंग का को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है ये आप समझ गए। थैंक यू।